महिला परिवेक्षक का पार्ट टू वीडियो देखने वाले हैं पार्ट वन वीडियो आपका डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया गया है जो कल हमने देखा है ठीक है तो चलिए आप लोग प्रैक्टिस सेट करना स्टार्ट कर दीजिएगा जो लोग महिला पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हैं ठीक है तो पार्ट टू वीडियो देखेंगे जो टोटल पचास एमसीक्यू रहने वाला है तो देखिए अभी महत्वपूर्ण खबर ये निकल कर आई है कि अफवाह यानी कि तेरह आठ दो को जो महिला परिवेक्षक का एग्जाम होना था वो बिल्कुल अफवाहें हैं यानी कि इसकी तिथि अभी जारी नहीं की गई है यानी कि महिला परिवक्षक भर्ती का जो परीक्षा तिथि अभी तेरह आठ दो हज़ार तेईस को यानी कि अगस्त में इसका जो एग्ज़ाम है फिक्स हो गया था वो अफवाहें हैं यानी कि तेरह अगस्त को इसका एग्ज़ाम नहीं होगा इसकी तिथि जैसे ही आएगा हम अपडेट आपको बता देंगे ठीक है तो चलिए यहाँ पर यही एक महत्वपूर्ण था और यहाँ आपका टोटल पचास लिखने वाले हैं कमेंट ना कीजिएगा मैं आपको बिल्कुल सटीक क्वेश्चन बता रहा हूँ ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर अपना तैयारी करना स्टार्ट कीजिएगा जितने भी यहाँ पर जुड़ चुके हैं जल्दी से कमेंट करना स्टार्ट कीजिएगा बच्चों के जन्म के समय कौन सा टीका दिया जाता है आप सभी को मालूम होगा ये कॉमन सी बात है जनरल सामान्य ज्ञान है कि बच्चों के जन्म के समय कौन सा टीका लगाया जाता है तो आप सभी को मालूम होगा बी सी जी बी सी जी टीका लगाया जाता है और बी सी जी का फुल फॉर्म क्या होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाँ पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा किसी विधिक पुलिस काउंसलिंग आश्रा आदि सुविधाएं सरकार द्वारा एक ही केंद्र पर दी जाती है कौन सा है अपरा जीता ठीक है मैं ऐसे टॉपिक लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछे जाएंगे सटीक तौर पर ठीक है टोटल पचास एम करने वाले हैं तीसरा प्रश्न है कि आई सी डी एस है ना आई सी डी एस इसका फुल फॉर्म मैं आपको कल बताया हूँ पार्ट वन वीडियो में ठीक है तो ये कब प्रारंभ हुआ यानी कि कौन सा वर्ष में प्रारंभ हुआ है तो ये आपका 1975 में प्रारंभ हुआ है ठीक है इसका पार्ट वन वीडियो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी जो सेवा है जो आई के लाभार्थियों को यानी कि जो आई के जो लाभ प्राप्त करता है उसको प्रदान नहीं की जाती तो वह स्वास्थ्य जाँच जबकि उनको टीकाकरण रेफल सेवाएँ प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का पहला सूचक ये सब उनमें एक ना ये जो दिया गया है तो इसका आंसर आपका बी होगा स्वास्थ्य जांच के लिए पांचवा प्रश्न है कि प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का पहला सूचक क्या होगा तो ये आपका डी होगा उम्र के अनुसार कम वजन है ना जो कुपोषण के होता है कुपोषण मतलब समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं कुपोषण का मतलब क्या होता है कमेंट करके बताओ जो लोग जुड़ चुके हैं या जो जिस जिनके बारे में जानकारी है आप लोग को ठीक है वजन कम क्यों होता है आप लोग कमेंट करके बताइएगा वजन कम क्यों होता है ठीक है बिल्कुल सही जवाब दिया है राकेश ने बिल्कुल धन्यवाद है ना बिल्कुल कमेंट करते चलिएगा ठीक है हाँ बिल्कुल सही है बहुत लोगों का आंसर आना स्टार्ट हो चुका है तो आप लोग आंसर कमेंट करना स्टार्ट कीजिएगा क्या क्या आएगा है ना तो टोटल पचास हमसे कर रहे हैं तो पार्ट टू वीडियो है ना आपका हम ऐसे ही डेली पार्ट टेन वीडियो यानी कि पार्ट इसका टेन वीडियो लाएंगे जो एकदम सटीक तौर पर आएगा क्वासिक्यो टर्म इनके द्वारा दी जाती है किसके द्वारा सिसली विल्सियम के द्वारा ठीक है बिल्कुल सही है नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों में मांसपेशियों को गंभीर रूप से अपक्षय अच्छा होते देखा जाता है तो क्या आएगा सूखा रोग है ना काली खांसी प्राथमिक तौर पर निम्न लोगों का रोग है जो काली खांसी होता है ना नवजात शिशुओं को अधिकतर होता है कौन सा होता है नवजात शिशुओं को होता है ठीक है देखिए अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी डेली लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए ठीक है तो छत्तीसगढ़ महिला परिवेक्षक का पार्ट टू वीडियो हम देख रहे हैं तो इसके बाद हम छत्तीसगढ़ी भाषा और हिंदी से क्वेश्चन लेकर आएंगे जैसे कि आप सभी यहाँ पर देख रहे हैं ये हमारा नेक्स्ट क्लास में रहने वाला है जो छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान भाषा छत्तीसगढ़ की भाषा बोली से पूछे गए प्रश्न देखेंगे ठीक है अभी आपका चल रहा है महिला एवं बाल विकास से संबंधित योजनाएं अभी हम देख रहे हैं ठीक है पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को लाइक करते हुए चलेगा चलिए इनमें से कौन सा एक संक्रामक रोग है तो आप सभी को मालूम होगा तपेदी के एक संक्रामक रोग है है ना बिल्कुल सही है जेनु वलगम परिणाम है तो इसका आंसर होगा ए फ्लोराइड विषाखता का ठीक धात्री मात्रा को पहले छह महीनों के दौरान याद रखना धात्री मात्रा को छः पहले मतलब छः महीना है ना मात्र छः महीना के दौरान अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है छः सौ के सी एल प्रतिदिन ठीक है धात्री माता किसे कहा जाता है आप लोग कमेंट करके बताइएगा ठीक है जिनको मालूम है कमेंट जरूर कीजिएगा चलिए मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ होता क्या है तो देखिए धात्री की परिभाषा माता का मतलब होता है वह स्त्री जो किसी शिशु को दूध पिलाने और उसका लालन पालन करने के लिए नियुक्त किया जाए याद रखिएगा धात्री का मतलब होता है वह स्त्री जो किसी शिशु को दूध पिलाने के लिए या फिर उसका लालन पालन यानी कि पोषण करने के लिए नियुक्त किया जाता है ठीक है मैं बार बार बोल रहा हूँ यहाँ कमेंट ना करें वरना मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा ये मतलब नहीं कि व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ चुके हो कि आपको तो कमेंट नहीं किजने है ना मैं बिल्कुल बता रहा हूँ आप लोग को ब्लॉक डाल दूंगा ब्लॉक लिस्ट में फिर आप मेरे चैनल को नहीं देख पाएंगे हाँ अब टाइम यहाँ पूछने का क्या मतलब है जब क्लास चल रही है तो बेवकूफ चलिए स्टार्ट करते बाकी बच्चों को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए ना गर्भवती महिलाओं के बीच मतली को कम किया जाता है मतली का मतलब होता है उल्टी उल्टी को कई भी बोलते हैं ना तो इसका सेवन छोटे और लगातार भोजन में ठीक है इनमें से कौन सा एक संयुक्त टीका है तो संयुक्त टीका डी पी टी और डी पी टी का मतलब होता क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा सभी के सभी जो लोग हमारे चैनल पर जुड़े हैं अभी सभी लोगों का आंसर आना चाहिए ठीक है मतलब तैयारी कर रहे हैं तो मतलब ही क्या पड़ेगा फिर अगर मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूँ बीच बीच में अगर उनका आंसर नहीं दोगे तो फिर तैयारी करने से मतलब ही क्या होगा तैयारी कराने से हैं तो हाँ अब आना स्टार्ट हो चुका है एक दो लोग आंसर कर रहे हैं ठीक है वेरी गुड कमेंट करते जाइए ना डी पी टी का फुल फॉर्म क्या होता है चलिए सभी लोग कमेंट करना स्टार्ट कीजिएगा मैं आगे बढ़ूंगा तभी कितने लोगों का आंसर आ रहा है चलिए मैं काउंट कर रहा हूँ ना अभी पच्चीस से तीस लोगों का आंसर आया लाइव चैट में वेरी गुड बीच बीच में पानी पीना पड़ता है भाई इतना ऊर्जा खत्म हो जाता है तीन तीन क्लास लेना पड़ता है हाँ लाइक कर देना बिल्कुल सही वीडियो को लाइक करते हुए चलिए ना तभी मज़ा आएगा हम इतना मेहनत कर रहे हैं वीडियो में लाइक नहीं आएगा तो मतलब ही क्या पड़ेगा फिर है इतना मेहनत करके आपको रीड करवा रहे हैं प्रैक्टिस करवा रहे हैं तो वीडियो में लाइक बनता है ना भाई हाँ लाइक करो वीडियो को लाइक करो ना लाइक करना नहीं बोलना है आपको जितना ज़्यादा लाइक आएगा हमें उतनी ही ज़्यादा खुशी होगी और उतनी ज़्यादा हम हम आपको पढ़ाने की अच्छी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे हाँ बिल्कुल अच्छी अच्छी क्वेश्चन लाएंगे आप लोगों के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा बस सब्सक्राइब करो या ना करो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है बस वीडियो में लाइक आना चाहिए आप लोगों का परफॉर्मेंस आना चाहिए बस इतना भी हम खुश हो जाएंगे ठीक है चलिए सभी लोगों का आंसर आ गया है

कड़िकाओं के लिए श्वेत रक्त कड़िकाओं के लिए जीवन की अवधि कितनी होती है आप लोग कमेंट करके बताइएगा चाहे गूगल में सर्च करो कहीं भी सर्च करो लेकिन इनका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दो ठीक है अभी आपको बताया ना मैं कि लाल रक्त कणिका का 120 दिन होता है जो कि प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण में कम हो जाती है है ना तो आप बताइएगा श्वेत रक्त कड़िकाओं के लिए हाँ श्वेत रक्त कड़िकाओं के लिए आप लोग बताइएगा कमेंट करके सभी लोगों का आंसर आना चाहिए ना आंसर आना ही चाहिए ठीक है जिस संक्रमित मच्छर के काटने से मलेरिया होता है मानव में फैलता है उसको क्या कहते हैं मादा एनाफिलिज कहते हैं ऐसा मच्छर जो काटने से होता है किसके काटने से होता है मादा एनाफिलिज मच्छर के काटने से मानव को मलेरिया होता है अब मानव का मतलब मनुष्य होता है रे इतने छोटी छोटी बातों को आप लोग को पता नहीं है तो क्या मतलब फिर आप लोग हार्मोन जो स्तनों में एलियोली को उत्तेजित करता है जिसके परिणामुसार दूध का उत्पादन होता है वह होता है आपका प्रोलेक्टीन है ना मैं इसको यहाँ पर थोड़ा धीरे पढ़ा क्योंकि पढ़ने में थोड़ा है ना समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं है होता है गर्भावस्था के दौरान किस पोषक तत्व की आवश्यकता दो गुनी हो जाती है तो आयरन की याद रखना आयरन आयरन का मतलब होता है युक्त तो इसका आंसर ए होगा ठीक कुछ सब्जी में उपस्थित आप जेलेट निम्न किसके अवशोषण में बाधक होते हैं लोहा ठीक है ऊर्जा उत्पन्न करने वाले तीन पोषक तत्व हैं तो ऊर्जा उत्पादन कौन कौन सा करते हैं ऊर्जा वसा कार्बोज प्रोटीन ये सभी क्या है आपका ऊर्जा उत्पन्न होता है ठीक है किस में ऊर्जा शरीर में भाई इनमें से किसके निर्माण में लोहा एक आवश्यक तत्व है तो हीमोग्लोबिन जब तक आपके शरीर में ही, हीमोग्लोबिन की मात्रा कमी वाला आप क्वेश्चन पढ़े ना हीमोग्लोबिन वगैरह जैसे कि अब बारह पॉइंट फाइव तेरह पॉइंट फाइव तो आप चलिए आप सभी के लिए क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है या हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है आप लोग कमेंट करके बताइए एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं ना भाई कोई दिक्कत नहीं है टाइमिंग की कोई दिक्कत नहीं है टाइमिंग आप लोग चाहे दस मिनट हो बीस मिनट हो प्रैक्टिस करके जाइए क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछता है जिस पोषक तत्व तो के उच्च सेवन से, से उच्च रक्तता का खतरा बढ़ जाता है वो सोडियम होगा ठीक है सोडियम हाँ अगर आप लोग पढ़ रहे हो ना तो काफ़ी अच्छी क्लास है सेकंड क्लास चल रहा है अभी ऐसे ही हम टोटल दस क्लास लेकर आएंगे पार्ट वन पार्ट टू चल रहा है दस क्लास लेकर आएंगे पहला क्लास कर लिए हैं कल किए हैं ना न्यू क्लास स्टार्ट किए हैं अभी देखिए महिला पर्यवेक्षक का जो एग्ज़ाम है ना कभी भी हो सकता है डेट जारी नहीं हुआ है जो अभी फेक न्यूज चल रहा था तेरह आठ दो हज़ार तेईस को ये फेक न्यूज है यहाँ आप लोग घबराइएगा नहीं जब इसका अपडेट आएगा ना हम आपको बता देंगे अपडेट बताए हैं वीडियो देख लीजिएगा जाकर डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया गया है दोनों अपडेट बताए है। है। hmm. है हैं एकदम फेक न्यूज है चलिए क्या आएगा सब्जी और फलों से बेकूफ़ और जब खाद्य पिरामिड आधार बनता है मैं बार बार बता रहा हूँ ध्यान क्या रहता है साबुत अनाज अच्छे स्रोत है जो साबुत अनाज होते हैं ना विटामिन बी से विटामिन बी पढ़े हो ना विटामिन सी किसकी कमी होता है विटामिन सी स्कर्वी हाँ इस रोग वाले हम क्लास कर लाएंगे ठीक है लोग वाले बीमारी वगैरह से बीमारी बच्चों में बीमारी होती है या कौन कौन से रोग से क्या होता है हम कल आपके लिए क्लास में लेकर आएंगे तीसरा वीडियो में ठीक है बने रहिएगा वीडियो पर कहीं जाइएगा मत हम डेली क्लास ले रहे हैं कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत अगर दिक्कत है तो आप लोग कभी भी वीडियो को डाउनलोड कर लो वीडियो को हमारा डाउनलोड कर लीजिएगा कभी भी एग्जाम देने जाओ या कभी भी अगर खाली टाइम रहोगे ना खाली टाइम वीडियो को एक बार प्रैक्टिस सेट कर लेना एक बार मैं वीडियो का किसी का भी हो याद नहीं होता वीडियो को आप दो बार देखिए वीडियो को दो बार देखिए और अच्छे से याद कीजिएगा ठीक है प्रैक्टिस कीजिएगा एक बार आप आंखों से सभी कट्टी कैसे लगाते चलिएगा मतलब एक बार प्रैक्टिस करते चलिएगा उसके बाद आप लोग वीडियो को दोबारा देख के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं गर्भावस्था के दौरान लौह तत्व की प्रसारित आहरी मात्रा होती है आपको पैंतीस मिलीग्राम प्रतिदिन ठीक है अब गर्भावस्था में कौन औसतन वजन में बढ़ोतरी होनी चाहिए तो 10 से 12 किलो याद रखना एग्जाम में पूछ सकता है ये वाला टॉपिक कि गर्भावस्था में औसतन वजन में बढ़ोतरी होनी चाहिए तो 10 से 12 किलोग्राम होनी चाहिए ठीक है आप किसी भी चैनल से या किसी भी वीडियो से देख सकते हैं मैं नहीं करूँ कि मेरी चैनल से देखिए अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा और डेली क्लास करिएगा है ना हम निशुल्क क्लास ले रहे हैं अभी वीडियो पर हाँ यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री क्लास अपलोड कर रहे हैं अगर आप मेंबरशिप में जुड़ना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन दिया होगा हमारे सब्सक्राइब के बगल में आप वहाँ पर मेंबरशिप की क्लास मिल जाएगी प्रचुर मात्रा में सब्जी और फल का तरल पदार्थ होगा क्योंकि गर्भवती महिलाओं को कब्ज जगह उपचार के लिए इसका सेवन किया जाता है ठीक है चलिए अट्ठाईसवां प्रश्न है कि गर्भावस्था में गर्भाशय का आकार बढ़ने से होता क्या है तो जलन और एसिडिटी होता है भाई यहाँ पर बुखार कैसा होगा पागल है क्या कुछ भी क्वेश्चन बोल देते हो छोटी चेचक से बचाव के लिए प्रस्तावित टीका है वारी सेला क्या है वारी सेला एम एम आर एम एम आर का मतलब समझते हो ना इसका मतलब क्या होता है फुल फॉर्म बताइए एम एम आर का वैक्सीन को प्रस्तावित किया जाता है इसके रोकथाम के लिए कौन सा होगा खसरा रोक से हम कल क्लास लेकर आएंगे बीमारी वगैरह से ठीक है बीच बीच में पानी पीना पड़ता है ना किन लोगों का आंसर आया है एम एम आर का फुल फॉर्म क्या होता है कमेंट करके बताओ भाई सभी का आंसर आना चाहिए प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस डेली हम ऐसे क्वेश्चन लाएंगे इससे हार्ड क्वेश्चन और लाऊंगा मैं कल हम देखेंगे बीमारी वगैरह रोग वगैरह क्वेश्चन देखेंगे ठीक बिल्कुल सही है पूर्वकालीन क्रिया के लिए कौन सा विकल्प सही है तो वह नहाकर पूजा करेगा यह तो पूर्वकालीन है जैसे ही नहाएगा कर पूजा करेगा तो पूर्वकालीन है समझ रहे हो ना जिस वर्णन नहीं हो सकता वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा अल्प क्या होगा जल्दी से कमेंट कर बताओ आप सभी के लिए क्वेश्चन है हिंदी की क्लास आ गई है टोटल तीस एम सी क्यू अभी किसमें देखें महिला एवं बाल विकास से अब इधर हम हिंदी के क्वेश्चन देखेंगे ठीक है जिसकी आशा ना की गई हो अप्रत्याशित बार बार एग्जाम में पूछा जाए चाहे हॉस्टल बढ़ाने की तैयारी करें महिला परिवेक्षा की व्यापम की तैयारी करें पीएससी की हिंदी का दस से बीस नंबर प्रश्न हर एक एग्जाम में पूछता है और जो जो टॉपिक पूछ पूछा मैं आपको कवर करा रहा हूँ है ना अभी हमने बाल विकास से तीस एम देखे अब प्लस बीस एम इधर देखेंगे दस से बीस एम हिंदी से है ना हिंदी से रट्टा लो क्वेश्चन आएगा ही आएगा जिसकी आशा ना की गई हो से आप प्रत्याशित कहते हैं निम्नलिखित में से मोहरे का अर्थ होता है सदैव एक सी स्थिति के लिए ढाक ठीक है जस दूल्हा तस बनी बराता लोकोक्ति का अर्थ क्या है आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप सभी के लिए क्वेश्चन है संगठन से ही कार्य सिद्ध होता है अवर्ण्य तीन प्रात गुण क्या आएगा जस दूल्हा तस बराता कमेंट करके बताए क्या आएगा चलिए पियाजे के संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत हमेशा पियाजे रहेगा ना तो पूर्वकालीन संक्रियात्मक अवस्था रहेगी निम्नलिखित में से कौन सी जन्म के पूर्व विकास की अवस्था नहीं होती तो जीवोत्पत्ति की अवस्था ठीक है परिवर्तन की वह पद्धति जो गर्भाधारण से जीवन काल तक निरंतर चलती रहती है उसका विकास होते रहता है ठीक है जब शिशु के सिर को एक तरफ से करें और अपने को बचाए हाथ पर फैलाए एक तरफ से उसको टोनिक अनुक्रिया कहते हैं क्या कहते हैं टोनिक अनुक्रिया कहते हैं एक छोटी सी नली जिसके आगे प्रकाश स्रोत को गर्भाशय में डालकर गर्भ के अंग और मुंह की खराबी पकड़ने की तकनीक तकनीकी को अल्ट्रासाउंड कहते हैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ एक छोटी सी नली होती है जीरा के आगे प्रकाश स्रोत हो का गर्भाशय में डालकर गर्भ के अंग और मुंह की खराबी पकड़ने की तकनीकी को अल्ट्रासाउंड कहते हैं खून जाँच को की आंतरिक परत एंडोसिस्ट जिसकी अवधि के दौरान विकसित होती है मानसिक प्रस्तुति का उपयोग करने की क्षमता को अर्थ में जोड़ दिया जाता है उसको हम क्या कहते हैं तो इसको प्रतीकात्मक कार्य कहते हैं फायदा करना दूसरों को ही होता है चार साल की सलोनी अपनी माँ से कहती है कि उस गुड़िया को खेलने के लिए नहीं आ सकती क्योंकि वह बीमार है इस वाक्य में सलोनी कौन सी सोच पता चलता है जो तो जीवतवारोपण ठीक है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चा सीखने के बाद नए शब्द का अर्थ अवशोषित करता है उसको क्या कहते हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा है ना फटाफट कमेंट करके बताइएगा क्या कहते हैं बिल्कुल सही है एक बच्चा अपने खिलौने को चादर के अंदर छुपा देता है और सोचता है कि कोई उसे खिलौने को नहीं देख सकता क्योंकि वह उसने नहीं दिख रहा है उसे नहीं दिख रहा है बालक के इस प्रकार की सोच को क्या कहते हैं अमृत सोच कहते हैं ठीक है, ही है। ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है सहसा अवस्था की अरे यार थोड़ा अरे बहुत परेशानी पंखा भी लाइट भी बंद हो गया यहाँ पर अभी भी लाइट बंद होना था इसको यहाँ पर बहुत गर्मी लग रहा है कमरे में बैठने से बहुत गर्मी लगता है इधर सहसा अवस्था की वह क्रिया जिसमें बालक वास्तविक रूप से अवसर से वांछित घटना उत्पन्न करने की क्रिया सीखते हैं उसको तृतीय प्रतिक्रिया कहते हैं वाई फाई स्टार्ट कीजिए तो वाई फाई चालू करो तो वहाँ का लाइट लाइट नहीं आ रहा है ना इधर वाई फाई चालू करो बहुत गर्मी लग रहा है इधर कनेक्ट भी नहीं हो पा रहा बिल्कुल कनेक्ट करो तो क्लास आगे नहीं चल पा रही है कोई दिक्कत नहीं थोड़ा मैं पानी पी लेता हूँ फिर भी आप लोग वाईफाई कनेक्ट करो चलिए हो गया वाईफाई चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं बच्चों आगे बढ़ें चलिए हाँ काम हो रहा है वाईफाई हो गया कनेक्ट हो गया हो गया मस्ती का वह क्षेत्र जो आयतन का अस्सी प्रतिशत हिस्सा होता है मस्ति का वह क्षेत्र जो आयतन का अस्सी प्रतिशत हिस्सा होता है भाषा व सोच विकास के विकास का महत्वपूर्ण योगदान होता है उसे सेलिबुलटेक्स कहते हैं चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा मजा नहीं आ रहा है मेरे को पढ़ने में इसको छोड़ देता हूँ ना चलिए इसका बताइए एक अनुमति है जो अपने श्रेय और धारणा को संयुक्त करते हैं आत्म प्रत्यय आत्मसम्मान आत्मबोध आत्मविश्वास आप लोग कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व बाल्यावस्था के दौरान भाषा का विकास का हिस्सा नहीं है तो सुनने की क्षमता का विकास ठीक है चलिए एक और क्वेश्चन देखोगे क्या टोटल पचास एम सी करने का मैं क्लास ले रहा था ना कोई दिक्कत नहीं है टोटल अगर हम पचास पचास डेली अगर करते हैं अगर तीस दिन में तो पाँच एक पंद्रह और एक जीरो आपका हो जाएगा इतना क्वेश्चन ठीक है पंद्रह सौ क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो आपका कवर हो जाएगा डेली करते रहेगा पार्ट टू वीडियो है हम डेली क्लास लेकर आएंगे तो निम्नलिखित में से बालक की कौन सी संज्ञा पियाजे मतलब क्षमता पियाजे द्वारा दी गई है पूर्व संक्रियात्मक अभी पूछे ना सोचने की क्षमता होती है उसकी संकेतात्मक में ठीक है तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा अगर ऐसी पार्ट टू पार्ट थ्री वीडियो लेना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा कि हाँ हम सर हमें पार्ट थ्री वीडियो चाहिए तो हम बीमारी वगैरह क्वेश्चन लेकर आएंगे रोग वगैरह वागर बीमारी से ठीक है हाँ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ना हम इतना मेहनत से आप सभी को क्लास ले रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर सब्सक्राइब करने का मन होता है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं ना जो सब्सक्राइब करेगा उसी को क्लास अटेंड कर पाएंगे और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ना इतना मेहनत से हम क्लास लेकर आए हैं बहुत गर्मी लग रहा है भाई चलो कम कम लाइक भी कर दीजिएगा ठीक है वीडियो को शेयर कर दीजिएगा